इंदिरा हैं कर्नाटक से हमारे साथ, स्वागत है इंदिरा आपका। थैंक यू जी। आदाब आदाब हकीम साहब। आदाब इंदिरा जी, आदाब बताइए। हकीम साहब, मेरा 2018 में MRI हुआ था, वो ठीक आया था, कोई डिस्क प्रॉब्लम नहीं, नर्व प्रॉब्लम नहीं, पर डॉक्टर्स ने मेरे को 5 स्टीरॉइड के इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के दिए और ये एक नर्व का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वो मेरे को सूट नहीं किया क्योंकि मेरे को कोई इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उसके बाद मेरी नसें खिंचनी शुरू हो गई और मेरा बॉडी बहुत ज्यादा अकड़ चुका है और अभी भी अकड़ता जा रहा है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि नर्व सेल नहीं बन रहे, तो इसका कोई यूनानी में इलाज है जिनसे नर्व सेल बने? एज कितनी है इंदिरा जी आपकी इस वक्त? 70। अच्छा देखिए, एक मैं दवा बताता हूँ आपको, आप खूब गौर से सुने और लिख लें। देखिए, जो अलसी आप समझती होंगी, आपकी उम्र 70 साल है, अलसी लेना है 200 ग्राम और धनिया लेना है 100 ग्राम। अलसी 200 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और आपको लेना है हल्दी 50 ग्राम और 100 ग्राम आपको लेना है अश्वगंधा, इसे हम अश्वगंध कहते हैं, आप अश्वगंधा कह सकते हैं, और 100 ग्राम आपको लेना है गोंद स्याह यानी काला गोंद। काला गोंद ज़रा नकली मिलता है, संभाल के लीजिएगा, और कड़वा होता है ये। इन सबको आपको रॉ मटेरियल ही लेना है, पिसा पिसाया कहीं से लेना, किसी पे भरोसा नहीं करना। पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, यानी एक बड़ा कैप्सूल की बराबर समझ लीजिए, 1 ग्राम आप समझ सकते हैं अंदाजे से। तो ये खाना शुरू करें और ये जो रॉ मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी हुआ ये 500-600 ग्राम, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं शिवराज जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बोलिए, सवाल कीजिए। पतला हूँ। कितनी उम्र है? 10। बस अच्छा देखिए, आपके घर में कोई और भी सुन रहा होगा तो वो समझ लें कि 1, 2 खजूर, 2 अंजीर, 2 केले और 250-300 ग्राम दूध, इसका रोज़ाना आप शेक बनाएं और पिया करें। अच्छे हालात हैं तो 1 से ज़्यादा बार भी पी सकते हैं, वरना 1 गिलास तो पीना ही पीना है। आप ये लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं पुष्पा हिमाचल से हमारे साथ, स्वागत है पुष्पा आपका। हेलो हेलो जी, बोलिए, सवाल कीजिए अपना। मैडम, मेरे बाएं हाथ में दर्द है। आपके बाएं हाथ में क्या तकलीफ है? जी हकीम साहब, इनके बाएं हाथ में झनझनाहट होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बाएं हाथ को यूज़ कम करें, इस्तेमाल कम करें, और मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, ऐसे मेरे को देखें गौर से और रोज़ाना 2-2, 4-4 मिनट किया करें। ये ऐसे 2-4 मिनट रोज़ाना करनी है, किस्तों में करें आप, इंस्टॉलमेंट पे करें, 1-1 मिनट करके। और एक ये ऐसे ऐसे खूब ज़ोर ज़ोर से यहाँ तक ले आइए गर्दन अपनी ठोड़ी को, ये किया करें। मुझे उम्मीद है इसी से फ़ायदा हो जाएगा आपको, मुझे उम्मीद है। और इसके अलावा भी अगर 10 दिन में दर्द ठीक ना हो तो गोंद स्याह लें, काला गोंद आता है, बड़ा कड़वा होता है, और आधा आधा ग्राम दोनों टाइम खाने के बाद
आप लिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। तो चलिए, आपको फायदा जरूर होगा, बस आपको ये घरेलू उपचार अपनाने की जरूरत है। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही है? विजय लक्ष्मी जी, सवाल कीजिए जी। हमको ना खून की कमी हो रही है, खून की कमी हो गई थी जो हमने कैल्शियम की और खून बढ़ाने की दी थी। ठीक। अच्छा, खून की कमी की कई वजह होती हैं। एक मेन वजह होती है हमारा लीवर अपना काम ठीक से नहीं करता, और ये बहुत आसान भी है इसका इलाज अगर आप कर सकें तो। और देखिए, धनिया, पुदीना, सूखा हुआ धनिया, सूखा हुआ पुदीना और सौंफ, ये सब रॉ मटेरियल लेने हैं आपको। धनिया, पुदीना, सौंफ और सौंठ, ये चार चीज़ें 100-100 ग्राम और 100 ग्राम या 150 ग्राम इसमें गौन मोरिंगा मिला दें। ये पाउडर बनाकर आप एक एक ग्राम 2-3 वक्त खाने से पहले खाया करें, और गर्म पानी पिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये सब रॉ मटेरियल आप लेंगे और इसके ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल, इनके लिए कोई दवाई भी हो सकती है हकीम साहब? हाँ, इनके लिए अगर ये एक सिरका आता है और कम लोग जानते हैं, और वो है सिरका, एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का जूस लोग पीते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलोवेरा का सिरका कम लोग जानते हैं। अगर 2-3 चम्मच सुबह शाम अगर खाया जाए, पिया जाए, या सालन में सब्जी में मिलाकर अगर ले लिया जाए तो भी फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? बसंत करोड़े, मैं एमपी से बात कर रहा हूँ हरदा। जी सवाल कीजिए। हमारा एक बेटा है 3.5 साल का, जो वो मतलब कम समय में पैदा हो, 7 महीने में, तो वो उसका मूवमेंट करने का मतलब उसको वो बैठ नहीं पा रहा है, उसके हाथ वगैरह जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जी, कितना बड़ा बच्चा? 3.5 साल का डॉक्टर। ठीक है। देखिए, जो बच्चे 7वें महीने में होते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं, अगर उनकी आप पूरी रिपोर्ट हमसे शेयर करें तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएंगे। उनकी रिपोर्ट्स होंगी तो हमारे डॉक्टर आपको फ़ोन करेंगे, और या आप कर लीजिएगा तो उनकी रिपोर्ट आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, फिर हम उनके लिए कोई ना कोई फ़ायदे वाले नुस्खा बता सकते हैं। नंबर आपके सामने जो दिखाए जा रहे हैं इन पे आप अपने बेटे की एक बार रिपोर्ट जो है वो हमें शेयर कर दीजिएगा, हमारी तरफ से काबिल डॉक्टर्स के कॉल आपके पास आ जाएंगे, फिर आपको एक सही उपचार ज़रूर बता दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। पूजा है हमारे साथ मथुरा से, स्वागत है पूजा आपका। हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ, वो मैं देख रही थी, जी पेट में दर्द होता है बहुत। ठीक है पूजा, आप हैं लाइन पर? क्या सर में दर्द है, पेट में? अरे मेरे सिर में दर्द होता है। अच्छा, एज और बता दीजिए अपनी। एज मेरी 18 साल की है। और बहुत कम है आपकी एज, और सर में दर्द होता है, कोई आपको ज़्यादा परेशान करता है घर में, भाई बहन या कोई? देखिए, सुबह को उठें और जब आप पेस्ट वगैरह कर लें तो फिर आपको एक काम करना है। देखिए, आधा चम्मच से भी कम जीरा, आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच धनिया,
ये पानी में उबालना है 2 गिलास पानी में, और जब ये आधा रह जाए तो इसको पीना है, और इसका जो बचा हुआ इसका फुजला होगा ये रखना, ऐसे शाम को भी इसे पीना है। आप हफ्ता दो हफ्ता करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं महेंद्र अम्बाला से हमारे साथ, स्वागत है महेंद्र आपका। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार जी आदाब जी। जी आदाब महेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। मैंने ना अपने धर्मपत्नी के लिए कोई मेडिसिन मंगवाया था जो अभी तक आया नहीं है। अच्छा, किस किस चीज के लिए? उनका ना मैं MRI करवाया था, उनके सिर में नस कोई डॉक्टर साहब बोले थे कि सुखड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कराने लगे जो मैंने बताई थी एक्सरसाइज? हाँ जी, एक्सरसाइज तो करते हैं, वो देख कर करें 2-4 मिनट रोजाना। और डायबिटीज की पेशेंट हैं वो, और कमजोरी बहुत है। ठीक है, कितने दिन हो गए आपको ऑर्डर किए मेडिसिन? मेरे ख्याल में 4-5 दिन तो हो गए डॉक्टर साहब। ठीक है, हाँ आपको हमसे शिकायत हो सकती है कि थोड़ी लेट हो गई, लेकिन आप दोबारा भी फ़ोन करके उनको तकाजा कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप तक दवा पहुँचेगी वो असली होगी, हम लोग असली दवाओं का कारोबार करते हैं, और फिक्र मत करिए। उन्हें 5 बार गर्म पानी पिलाइए और 4-6 मिनट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी वो कराया करिए, आपकी धर्मपत्नी जल्दी ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, मेडिसिन जल्द से जल्द आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी, और जो एक्सरसाइज यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई थी वो अपनी धर्मपत्नी को ज़रूर करवा लीजिएगा। कोई भी रोग संबंधी प्रश्न आप करना चाहते हैं, कोई ऐसी बीमारी जो आपको लगता है कि आपके शरीर से जाने का नाम नहीं ले रही, और आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी से कहना चाहूँगी एक बार आप घरेलू नुस्खे ज़रूर अपनाइए, वो नुस्खे जो सीधा हकीम साहब आप सभी को बताते हैं। और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि एक एक बात आप लोगों को लिखनी है, नोट डाउन करनी है, कितने ग्राम आपको खाना है, किस तरीके से आपको खाना है, ये सभी बातें आप लोगों को आज यहां पे बताई जा रही हैं। तो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ या हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। यवतमाल महाराष्ट्र से। जी 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 जी। तो हमको कमर की दवा की ये होना था, पूछना था। कमर में दर्द है, किसके कितनी उम्र है मरीज की? उम्र 54 साल है। ठीक है, हाँ देखिए मरीज से बहुत ज्यादा मेहनत ना कराएं, वजन उठाने का या पोछा लगाने का काम नहीं करें, और अगर घर में वेस्टर्न टॉयलेट ना हो ऐसा कुर्सी वाला तो वो ज़रूर लगवाएं। और घरेलू नुस्खे के तौर पर आप गोंद स्याह ले सकते हैं, काला गोंद आता है, गोंद स्याह जिसे कहते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खिलाएं, और 100-200 ग्राम खरीदेंगे तो वो ख़त्म होने से पहले दर्द का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है निहारिका लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बोलिए। पेट में दर्द रहता है। पेट में? जी ठीक है। उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र है 22 साल। हाँ देखिए, बेल का मुरब्बा मिलता है मार्केट में, आजकल मिलेगा, और ये बेल खाई भी जाती है, खोपड़ी नुमा होती है, पत्थर बेल कहते हैं, बेल पत्थर भी कहते हैं, सभी जानते हैं। तो बेल का मुरब्बा ले लीजिए, सुबह ही सुबह एक कतला उसका 3-4 इंच का खा लिया करिए, और गर्म पानी पिया करिए, चंद हफ्ते या चंद रोज़ आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो आप इसका फ़ायदा अगर उठाना चाहती हैं तो जो उपचार अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं वो आपको करने हैं, आज से ही अपनाने शुरू कर दीजिएगा, और रॉ मटेरियल आपको लेके आना है, और घर में ही पीसने हैं आपको जो भी यहाँ पे नुस्खे बताए जा रहे हैं, घर में
पीसने हैं, पिसे पिसाए नहीं लाने हैं, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी रॉ मटेरियल हमारी कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। घरेलू नुस्खे यूनानी पद्धति से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चीज़ों से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, वो भी ऐसा रोग जो आप लोगों को लगता है इलाज है, खत्म नहीं हो सकता है, तो जड़ से खत्म आपका एक एक रोग हो सकता है जब आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, जब आप लोग घरेलू उपचार अपनाते हैं। इन नंबर्स पे संपर्क साधिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं।